इत्तेहाद न्यूज़ को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। सियासी सरगर्मियां जारी है, बेलगाम हो, रियासत के मुख्तलिफ जगहों पर। हमारे साथ आज मौजूद हैं जनाब असदुद्दीन साहब, एक असदुद्दीन ओवैसी साहब हैं, तो ये हैं जेडीएस के अकलियती वाइस प्रेसिडेंट रियासत के, लिहाजा हमारे साथ वो मौजूद हैं। सबसे पहले आपका खैर मकदम, आपका इस्तकबाल। काफ़ी अरसा हुआ आप सियासत में हैं, पिछले तकरीबन 12-13 सालों से। सवाल ये उठता है, घुमा फिरा कर बात आती है अकलियतों की, क्योंकि आप अकलियती नायब सदर हैं फिलहाल, क्या सिर्फ सेक्युलरिज्म मुसलमानों के लिए है? और अगर जेडीएस की बात की जाए, क्योंकि जेडीएस का अगर रीजनल पार्टी के तौर पर एक खासा मकाम है कर्नाटक में, तो क्या वाकई मुसलमानों के लिए कुछ करने का जज्बा, कुछ करने के प्लान, इम्कान पार्टी में आपके हैं? क्योंकि अक्सर यह सुना जाता है कि जेडीएस की बीजेपी के साथ नज़दीकियाँ बहुत हो रही हैं, क्या वो मुसलमानों के ताल्लुक से कुछ काम करना चाहती हैं, या सिर्फ मुसलमानों को जैसा हमेशा वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है? क्योंकि सभी को मुसलमानों के वोट चाहिए, लेकिन मुसलमान वोट कैंडिडेट को कोई वोट देना नहीं चाहता, आप इसके ताल्लुक से क्या कहेंगे? बहुत बहुत शुक्रिया सबसे पहले कि आपने इत्तेहाद न्यूज़ पर मुझे इनवाइट किया। जो आपका सवाल है उसका पहला जो पार्ट है कि क्या सेक्युलरिज्म की बका की जिम्मेदारी सिर्फ मुसलमानों की है। ये सियासी जमातें जिस तरह से हर मामले में बस मुसलमानों को ही ये जताती हैं कि सेक्युलरिज्म की बका के लिए हमारा वजूद ज़रूरी है, हमारा साथ दीजिए सेक्युलरिज्म बाकी रहेगा। ये दरअसल हिंदुस्तान एक गुलदस्ते की तरह है जिसमें रंग बिरंगी फूल हैं, अलहदा अलहदा ज़ुबानें, अलहदा अलहदा कल्चर्स, अलग अलग फूड हैबिट्स। तो ये जो है ना अपना डाइवर्सिटी यहाँ की जिस तरह से है, तो यहाँ हिंदुस्तान की बका के लिए सेक्युलरिज़म की बका बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ये ज़िम्मेदारी हर भारतीय की है, हर भारतीय की ज़िम्मेदारी है। अब जहाँ तक जेडीएस की बात है कि क्या जेडीएस वाकई कुछ करना चाहती है, मैं आपको एक बात बताऊं कि कोई भी इंसान या कोई जमात क्या कर सकती है या क्या नहीं करेगी, उसको अगर परखना हो तो हम उसके जस्ट पास्ट में चले जाएँ, माजी में चले जाएँ, उससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मुस्तकबिल में क्या कर सकते हैं। हमारी पार्टी का आज तक ये रिकॉर्ड रहा है कि हमने मुसलमानों के लिए बहुत सारे काम किए हैं। सारे हिंदुस्तान में सबसे पहले अगर मुसलमानों को तालीम और इसके साथ जब अपना मुलाजिमत वगैरह में अगर रिज़र्वेशन दिया, 4% रिज़र्वेशन, तो हमारी पार्टी ने दिया, देवेगौड़ा साहब ने दिया। और इसके साथ साथ ये जो इल्ज़ाम हम पे लगाया जाता है कि भाई बीजेपी से नज़दीकियाँ बढ़ रही हैं, मैं एक बात साफ़ करना चाहता हूँ कि हर सियासी जमात अपनी बका के लिए और एक जमहूरी निज़ाम में कहीं किसी से अलायंस होता है, कहीं किसी से अंडरस्टैंडिंग होती है, अपनी जगह है, लेकिन महज बीजेपी के साथ हमने कभी अलायंस किया या फिर सो कॉल्ड नज़दीकियाँ जो बढ़ रही हैं, जो बात की जाती है, उसकी बुनियाद पर हमारे सेक्युलरिज्म पर सवाल नहीं खड़ा किया जा सकता। क्योंकि एक जमहूरी निज़ाम में हमारे पास दो पार्टियाँ बचती हैं जेडीएस के बाद कर्नाटका में, कांग्रेस है और बीजेपी है। अगर कहीं पे अंडरस्टैंडिंग करनी पड़ती है तो हमने कांग्रेस के साथ में भी अलायंस किया है, अंडरस्टैंडिंग की है, ज़रूरत पड़ने पे बीजेपी से भी की है। अब सवाल ये है कि बीजेपी के साथ ही नज़दीकियाँ या फिर अलायंस की बात अगर हो तो ये क्राइटेरिया नहीं होना चाहिए किसी पार्टी के सेक्युलर क्रेडेंशियल्स को जज करने का। क्राइटेरिया ये होना चाहिए कि क्या हमने कभी अलायंस, जैसे 2007 और 8 में हमारा अलायंस था, क्या कभी कोई एक ऐसा निशानदेही कोई कर सकता है कि जेडीएस ने अलायंस पार्टनर बीजेपी को खुश करने के लिए आरएसएस के किसी एजेंडे पे अमल किया हो? एक भी मिसाल नहीं दी जा सकती। या फिर ये कि हमने अपने अलायंस पार्टनर को आज़ादी दी आरएसएस के एजेंडे पे अमल करने की, उसकी एक मिसाल नहीं दी जा सकती। उसके बरक्स जब हमारी अलायंस गवर्नमेंट थी उस वक्त में दादा मीर हयात खलंदर रहमतुल्लाह अलैह, बाबा बुडनगिरी जो कहा जाता है, वहाँ पर प्रोटेस्ट करते हुए हमारे अलायंस पार्टनर के बड़े बड़े लीडर्स जब चले गए थे, जिनमें सदानंद गौड़ा थे, शोभा करंदलाजे थी, तो उस वक्त में हमारे चीफ मिनिस्टर एच डी कुमार स्वामी ने उन लोगों के अरेस्ट का हुक्म दिया और उन्हें अरेस्ट किया।
हमने कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया सेकुलरिज्म से पावर की खातिर। इसके बदले में मैं आपको मिसालें कई दे सकता हूँ कि कांग्रेस के बारे में बात होती है, हमने कांग्रेस से भी अलायंस में हुकूमत की, लेकिन कांग्रेस से अलायंस में इन्होंने हुकूमत की उस बात को बुरा नहीं माना जाता। हालांकि कांग्रेस का जो रिकॉर्ड रहा है, बाबरी मस्जिद में मूर्तियाँ रखवाने से लेकर शिलान्यास, बाबरी मस्जिद का ताला खुलवाना, बल्कि जब राम मंदिर की तहरीक को एक मुनज़्ज़म शक्ल देने के लिए जब राम जन्मभूमि मुक्ति यज्ञ समिति बनाई गई और पहली वहाँ से रैली निकलती है अयोध्या से, तो उसको हरी झंडी दिखाने वाले कांग्रेस के लीडर वीरभद्र सिंह होते हैं, उसको बुरा नहीं समझा जाता, पूरे रिकॉर्ड मौजूद है। तो अगर हम किसी पार्टी से अगर अलायंस करते हैं, जो हमने कांग्रेस जैसी पार्टी जिसका सारा रिकॉर्ड हमारे पास मौजूद है, एक लंबी लिस्ट आ सकती है, जमहूरी तकाजे होते हैं, हमने अलायंस उनसे भी किया, इनसे भी किया, लेकिन हमारे सेक्युलरिज्म पे कोई सवाल नहीं उठा सकता। नहीं नहीं, आपने जो कहा बिल्कुल सही कहा कि पहले जो है कांग्रेस के हो, या तो फिर आपने जैसे कहा कि जेडीएस का कोई निशानदेही कर सकते हैं, लेकिन वक्त बदल चुका है। अब जो है कि हर पार्टी मुसलमानों को निशाने पर ला कर हिंदू अक्सरियत वोट को अपनी एक तरफ माइल करना चाहते हैं। पहले यकीनन जैसा आपने कहा कि बाबरी मस्जिद का हो, दिगर भी और भी सारी चीज़ें हैं जो कांग्रेस ने मुसलमानों के ताल्लुक से नहीं की हैं यकीनन, लेकिन क्या किसी पार्टी, यानी कि एक तो दो विचारधारा के तहत चलती हैं, या तो कम्युनल है या तो फिर सेक्युलरिज्म है। जैसे कि सभी जानते हैं कि भाजपा एक कम्युनल पार्टी है, तो ये पार्टी के साथ नज़दीकियाँ क्या आपके सेक्युलरिज्म के जो एक आपका इमेज बना हुआ है उसको नुकसान नहीं हो सकता? देखिए, नज़दीकियों वाला एक परसेप्शन क्रिएट किया गया है कि हमारी नज़दीकियाँ बढ़ी है अभी इस वक्त की बात। नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि कांग्रेस जो है पूरी तरह से सेक्युलर, ये नहीं कह रहे हम। हाँ बिल्कुल। अब देखिए, हम इसका सब्सटेंस क्या है इस इल्ज़ाम में, इस परसेप्शन में, हम उसकी तरफ जाते हैं। अभी इन लोगों ने, यहाँ की बीजेपी गवर्नमेंट ने प्रिजर्वेशन ऑफ कैटल बिल लाया, गौकशी वगैरह का बिल लाया, हमने उसकी सख्ती से मुखालिफत की। लेकिन आपके ही तो भैरेगौड़ा को बिठाया गया था, वो तो भी बात है। ये जो है ना अपना, ये आप शायद अपने लेजिस्लेटिव काउंसिल की बात कर रहे हैं, लेजिस्लेटिव काउंसिल की बात कर रहे हैं। लेजिस्लेटिव काउंसिल में हमारे अपने जो डिप्टी स्पीकर हैं, अब हमारा इवन मैसूर कॉरपोरेशन में अलायंस था कांग्रेस के साथ में, जो अब ख़त्म होने के करीब है। तो यहाँ पर हमने अपने डिप्टी चेयरमैन के जगह पे हमारी अपनी एक पॉलिसी थी, और हम कांग्रेस का जो चेयरमैन था उसे हटाना चाहते थे, उसमें कोई गलत बात नहीं। अगर हम कांग्रेस का साथ नहीं दे रहे तो हम कम्युनल नहीं हो जाते हैं, ये एक जमहूरी तकाजा, एक सियासी तकाजा था। लेकिन कोई एंटी मुस्लिम कोई काम हमने नहीं किया, इवन प्रिजर्वेशन ऑफ कैटल बिल में भी हमने बीजेपी का साथ नहीं दिया। कोई नज़दीकियाँ नहीं बढ़ रही हैं हमारे लिए, दोनों पार्टियों से इक्वी डिस्टेंस, बराबर की दूरी की पॉलिसी पे। फिर भी एक आइडियोलॉजिकल जो है एक तरह का मुहायदा आप कर रहे हैं, इसका एहसास आपको? नहीं नहीं नहीं, किसी तरह का आइडियोलॉजिकल कंप्रोमाइज़ ना पहले कभी हुआ है, ना इंशाल्लाह फ्यूचर में कभी होगा, कभी नहीं होगा। जेडीएस पार्टी सुकड़ती जा रही है, तादाद भी घटती जा रही है, और अक्सर कहा जाता है कि बाप बेटी की पार्टी है, और दोनों में भी जो एक चीज़ देखी जाती है कि जैसे हमारे साबिक वज़ीर आज़म देवेगौड़ा साहब कुछ हद तक सख्त नज़र आते हैं, तो दूसरी तरफ ये भी कहा जाता है कि कुमारस्वामी इख्तदार के बहुत ज़्यादा ख्वाहिशमंद हैं और वो इख्तदार हासिल करने के लिए समझौता कहीं पर भी कर सकते हैं, इस ताल्लुक से क्या कहें? नहीं, ये भी एक मिसकंसेप्शन है कि HD कुमारस्वामी जो है ना इख्तदार के भूखे हैं वगैरह, नहीं। दरअसल ये अप्रोच का एक डिफरेंस है, एज का डिफरेंस है। देवेगौड़ा साहब ओल्ड स्कूल ऑफ थॉट और सेक्युलरिज्म के बारे में कभी उन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, रिकॉर्ड मौजूद है। कुमारस्वामी ने भी नहीं किया, लेकिन जो अप्रोच है पॉलिटिक्स के लिए वो उन दोनों की अलहदा है। लेकिन हम कभी भी बीजेपी के साथ में उनके एजेंडे पे हम कभी ना उन्हें अमल करने की इजाज़त दिए हैं उनको, ना फ्यूचर में कभी देंगे, किसी तरह की कोई नज़दीकी नहीं है। और ये एक बात ये भी बता दूं कि पिछले असेंबली इलेक्शन से पहले एक बात हमारी मुखालिफ सियासी जमातों ने फैला दी कि जनता दल सेक्युलर बीजेपी की बी टीम है, और नतीजा क्या निकला? नतीजा ये निकला कि बहुत सारे लोगों ने उनकी बात पर यकीन किया, और कम से कम 28 सीटों पर बीजेपी की कामयाबी हुई, 28 सीटों पर, एक निगेटिव प्रोपेगेंडा की वजह से। हालांकि उसमें कोई सच्चाई नहीं है, हमारा रिकॉर्ड मौजूद है जो साफ और शफाफ है। अच्छा, असदुद्दीन साहब, एक और असदुद्दीन साहब के करीब क्या वाकई जा रहे हैं? नहीं देखिए, मैं ये बात मानता हूँ और मेरा स्ट्रांग बिलीफ है इसमें कि एक सेक्युलर मुल्क में
इस मुल्क की तरक्की के लिए सेक्युलरिज्म से हटकर कोई भी इज़्म, दूसरा इज़्म, कम्युनलिज्म हो या कास्टिज़्म हो, ये नुकसानदायक है, और ख़ास तौर पर मुसलमानों के लिए। क्योंकि मेरा ये मानना है शख्सी तौर पर कि मुसलमान जिस दौर में भी वो ज़िंदा है, वो अपने दौर से हम आहंग होता है, इज़ ऑलवेज इन ट्यून विद द पीरियड ही इज़ लिविंग इन। तो आज के जमहूरी निज़ाम में हमको जमहूरी निज़ाम में सेक्युलरिज्म की बका के लिए ही काम करना है। फ़िरका परस्ती किसी भी तरह की हो वो नुकसानदायक है। मौजूदा मुसलमानों के सियासी माशी तमाम हालात जिस तरह से पस्ती में हैं, इसके लिए कौन जिम्मेदार है, क्या दीनी रहनुमा या सियासी रहनुमा? देखिए, बहसियत एक पॉलिटिकल पर्सन मैं ये कहूँगा कि कुछ पार्टियाँ ज़िम्मेदार हैं जिन्होंने आज़ादी के बाद से आज तक हमें एक्सप्लॉइट किया, एक वोट बैंक की हैसियत से जो है ना इन्होंने हमें इस्तेमाल किया। और इसके साथ में आज की डेट में अगर आप देख लें तो सारे हिंदुस्तान में फैशिज़्म और कम्युनलिज्म से मुकाबला अगर कोई पार्टियाँ कर रही हैं तो इलाकाई जमातें हैं, चाहे वो उड़ीसा हो या फिर तेलंगाना हो, आंध्रा हो, तमिलनाडु हो, वेस्ट बंगाल हो, जहाँ भी बीजेपी को पे लगाम लगी है सिर्फ रीजनल पार्टीज़ की वजह से लगी और यहाँ पर भी लगेगी। ये बहसियत एक पॉलिटिकल लीडर, बहसियत मुसलमान। मेरा ये मानना है कि हमारे अपने जवाल के ज़िम्मेदार जितना पॉलिटिकल फैक्टर्स हैं उससे भी काफ़ी हद तक हमारी अपनी सोच और हमारे अपना साइंटिफिक टेम्परामेंट से दूर हो जो हम हो चुके हैं, ये भी काफ़ी हद तक ज़िम्मेदार है। तालीम पे हमने जो पहले अहमियत दी थी, और नहीं तो आवाम तो लीडरों को फॉलो करती है। नहीं, मैं बहसियत मुसलमान बता रहा, बहसियत सियासी पर्सन मैंने पहले कह दिया। एक मुसलमान की हैसियत से जो मेरी सोच है, सियासी जमातें ज़िम्मेदार हैं, बिल्कुल सही है, लेकिन अगर हमें किसी चीज़ को रेक्टिफाई करना है, सुधार लाना है, तो हमें हमें क्या क्या खामियाँ हैं, कमज़ोरियाँ हैं, पहले उन चीज़ों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हमें ये कमज़ोरियाँ हैं। जब हम ये एक्सेप्ट करेंगे उसी के बाद उनका इलाज की हम सोचेंगे। क्या लीडरों को हो या दीनी रहनुमाओं को हो या बीच बजाते मुसलमान आप कह रहे हैं, क्या इन चीज़ों का कभी एहसास नहीं हुआ कि ये कौम की ये तमाम चीज़ें गलत रास्ते पर है तो उनको सुधारना चाहिए, क्योंकि आज पूरी तरह से हाथ से निकलते हुए हालात दिख रहे थे। तो इस वक्त में जो है ना, मैं एक बात ये साफ कर देना चाहता हूँ कि बहसियत कौम मुसलमान, पर्सनली मैं भी सोचता हूँ कि पॉलिटिकल लीडरशिप की कमी या फिर पॉलिटिकल पार्टीज़ वगैरह की जगह पे उसको ब्लेम करने के बजाय ये याद रखें कि हमारे पास एक ज़िंदा क़यादत मौजूद है, ज़िंदा क़यादत जिसने लीडरशिप की बेहतरीन मिसाल कायम की, वो हमारे नबी हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। उनकी ज़िंदगी का मुतालिया करें। आज हमारे जो हालात यहाँ पर हैं हिंदुस्तान में, कई दफ़ा मेरे जहन में आता है कि हिजरत से पहले जो हालात मुसलमानों के थे, हिंदुस्तान में भी कुछ उसी तरह के हालात बनते जा रहे हैं। हमें स्टडी ये करना चाहिए कि उस सिचुएशन को टैकल करने के लिए हमारे नबी ने क्या किया था, सहाबा इकराम ने क्या किया था, और आज हमें क्या करना चाहिए, उससे हमें दिशा मिलेगी, हमें एक नई जहत मिलेगी। हम यहाँ पर रहकर भी, माइनॉरिटी में रहते हुए भी, हम यहाँ पर हुकूमत में आ सकते हैं। जहांगीरी और जहांबानी का गुर इस्लाम ने हमें सिखाया है, दोबारा फिर से हमें उसे सीखने की ज़रूरत है। दूसरी कम्युनिटीज़ से, अब जैसे जमहूरी निज़ाम में दूसरी कम्युनिटीज़ के जो है ना दिल किस तरह से जीते जा सकते हैं, वो क्या पॉलिसीज़ हो सकती हैं और क्या क्या कमियाँ हैं। हमारे स्कॉलर्स बैठे हैं, दानिश्वर बैठे हैं, मुस्तकबिल उतना तारीख नहीं है, और वो चीज़ देखें कि जिस तरह हमारे असलाफ ने नामुसाइद हालात में जिस तरह से जहाँ पीछे हटना था वो पीछे हटे, और उसके बाद उस पीरियड में उन्होंने अपनी कुव्वतों को मुजतमा किया, तमाम ताकतों को एकजा किया, और उसके बाद फिर उन्होंने जो आगे करना था किया। ज़िंदा क़यादत मौजूद है, उधर हम ध्यान दें। JDS जनता दल सेक्युलर, उसकी तस्वीर भी ये है कि यानी कि किसान की जो तस्वीर है, जो चारा उठाए एक औरत, आपके जो लोग ये है पार्टी का, इतना बड़ा किसान एहतजाज चल रहा है, लोग मर रहे हैं, तकरीबन 50 के करीब लोग मर चुके हैं यहाँ पर, जबकि किसानों की पार्टी कहा जाता है, आपकी पार्टी खामोश नजर रही, क्यों? देखिए, किसान बिल्स की मुखालिफत में देवेगौड़ा साहब का स्टेटमेंट भी आया है। हाँ, एक चीज़ ये हुई कि यहाँ पर जो लैंड रिफॉर्म्स बिल लाया गया कर्नाटका में, उसमें कुछ तब्दीलियों की और कुछ अमेंडमेंट्स की बात करके बीजेपी को अमेंडमेंट करवा कर उसके बाद हमारी पार्टी ने उनका साथ दिया, और ये किसानों के मफाद में जो काम है वो हमने किया और आइंदा भी करते रहेंगे। वक्त गुजरने के साथ में खुद किसानों को भी ये बात समझ में आएगी। तो हम किसान मुखालिफ ना कभी पहले थे
न कभी आगे रहेंगे। नहीं, मुखालिफ की बात नहीं, लेकिन उस एहतजाज को आपकी हिमायत क्यों नहीं दिख रही खुलेआम? क्या इतने भी लोग नहीं हैं कि एहतजाज कर सके कर्नाटक में? नहीं, देखिए, कर्नाटक का जो लैंड रिफॉर्म्स बिल आया, एक्ट आया, उसकी तो हमने मुखालिफत की थी। अब ये ऑल इंडिया लेवल पर जो ये है, हम APMC के जो लॉज वगैरह उसमें चेंज हुए हैं कानून में, हम उसकी मुखालिफत पहले भी करते थे, आज भी है। प्रैक्टिकली शायद आप जैसा बता रहे हैं, प्रैक्टिकली अमली मैदान में हमारे लीडर्स शायद उतना नज़र ना आ रहे हों, लेकिन हम मुखालिफत करते हैं। जैसा अभी कहा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट पर भी सवालिया निशान खड़े किए जा रहे हैं, जो कमेटी बनाई गई है उसमें से तो भूपिंदर सिंह मान अपने को अलग कर चुके हैं, क्या ये किस हद तक सही है कि अब सुप्रीम कोर्ट भी मरकजी हुकूमत के जेर मातहत फैसले सुना रहे हैं? देखिए, आप तारीख देख लीजिए, आम तौर पर कई मुल्कों में ये हुआ है, जर्मनी में भी हुआ, फासिज्म के आने से पहले वहाँ के इंस्टीट्यूशंस को कमज़ोर किया गया। अब खुशी होती है मुझे, अभी हाल फिलहाल में अमेरिका में जो हुआ ट्रंप के मामले में, वहाँ के इंस्टीट्यूशंस स्ट्रांग हैं, और इवन कई जो है ना रिपब्लिकन्स ने अपने ही सदर ट्रंप के ख़िलाफ़ में इम्पीचमेंट के प्रोसेस में वो शामिल हुए हैं। लेकिन अफसोस होता है कि यहाँ पर हमारे इंस्टीट्यूशंस कमज़ोर हो रहे हैं, कई इश्यूज़ पर हमने सुप्रीम कोर्ट का रुख देखा, और इस हद तक कमज़ोर हो रहे हैं कि हमारे सुप्रीम कोर्ट के जजेस को एक दफ़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस लेनी पड़ी, चार चार जजेस वहाँ पर आए, उन्होंने अपने जो है ना मसाइल अवाम के सामने रखे। ये इंस्टीट्यूशंस को कमज़ोर करने की जो साजिश है, ये जमहूरियत के लिए बिल्कुल भी एक अच्छी अलामत नहीं है, अच्छा संकेत नहीं है। इंस्टीट्यूशंस को फिर से मजबूत करने की ज़रूरत है, और इंस्टीट्यूशंस उसी वक्त मजबूत होंगे जब आवाम सियासी जमातों पर दबाव डालेंगे और इंस्टीट्यूशंस के लिए लड़ेंगे। लड़ने की ज़रूरत है इंस्टीट्यूशंस के। जमहूरी निज़ाम, जमहूरी दायरा क्या कमज़ोर होता जा रहा है? देखिए, कोशिश हो रही है हर इंस्टीट्यूशन को कमज़ोर करने की कोशिश हो रही है, चाहे वो नोटबंदी का मामला हो, वहाँ पर रिजर्व बैंक वगैरह के जो है ना सजेशंस को इग्नोर किया गया। अब यहाँ पर एक डिक्टेटरशिप वाली शक्ल ली जा रही है, जहाँ पे हम एक ऐसे वज़ीर आज़म को देखते हैं जो किसी की राय को अहमियत नहीं देते, किसी की राय को अहमियत नहीं देते। ये हम डिक्टेटरशिप की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन मुस्तकबिल फिर भी जमहूरियत के लिए या इंस्टीट्यूशंस के लिए उतना तारीख नहीं है। आज भी आवाम अगर जागते हैं, इन इंस्टीट्यूशंस को बचाया जा सकता है, और मुझे यकीन है कि इन इंस्टीट्यूशन को हम जद्दोजहद के जरिए सारे भारतीय बचा कर रहेंगे। लेकिन कैसे आवाम जाएगी जब एक तरफ तो पूरी तरह से एब्सोल्यूट मेजॉरिटी हासिल कर रही है मोदी हुकूमत, आज भी कुछ न करने के बावजूद, जैसा कहा जाता है कि रिपोर्ट में जितने भी फैसले लिए गए जल्दबाजी में लिए गए, एक तरफा लिए गए, मनमानी की गई, इसके बावजूद भी भाजपा जीतती नजर आ रही है, तो इसको क्या कहेंगे? अभी देखिए, वो एक ट्रेंड चल रहा था, आवाम में जहर घोला गया था फिरका परस्ती का, एक मखसूस तबके को दुश्मन के तौर पे उन्होंने क्रिएट किया और आवाम को बताया, उसका कुछ हद तक असर था, लेकिन अब वो असर जायल होने लगा है। पिछले दिनों आप देख सकते हैं कि जो गढ़ है मध्य प्रदेश बीजेपी का, वहाँ पर भी जो है ना बीजेपी की हार हुई, राजस्थान में भी हार हुई। अगर यही होता, ये अलहदा बात है कि बाद में इन्होंने मध्य प्रदेश में अपना वही जोड़ तोड़ की सियासत के जरिए, बिहार और हैदराबाद तो फिर भी जीते ना वो। हाँ, बिहार और हैदराबाद जीते हैं, ये बात सही है। अब वहाँ पर जो है ना, जहाँ तक मेरा अपना पर्सनल एनालिसिस है, हैदराबाद की जो प्रॉब्लम थी, वहाँ पर KCR साहब, उनका फुल टाइम पॉलिटिक्स में ना होना, जबकि बीजेपी के पास ऐसी लीडरशिप है जो 24 आवर्स जस्ट पॉलिटिक्स के बारे में सोचती है, एक मशीन की तरह वो काम करते हैं, इंतखाबात की मशीन है वो वहाँ पर पब्लिक से दूरी, और थोड़ा सा लोग, कुछ दानिश्वरों का कहना है, पॉलिटिकल एनालिस्ट्स का कहना है कि ये कई महीनों तक किसी से मिलते करते नहीं वगैरह, तो ये जिस तरह की इंतखाबी मशीन बीजेपी है, उस तरह की इंतखाबी मशीन अगर दूसरी पार्टियां फिर तैयार करेंगी, बीजेपी का ग्रोथ नहीं होगा। इवन तेजस्वी यादव को आप देख लें, तेजस्वी यादव लालू प्रसाद के बेटे, एक ब्रिलियंट नौजवान, सारी चीज़ें, लेकिन आवाम के दरमियान या एहतजाजात में या तहरीकात में साथ रहने का उनका उतना अच्छा रिकॉर्ड नहीं रहा है। 74 जीते हैं ना सर जी, हुकूमत बनाई जा सकती थी, बन सकती थी, करीब आकर रुक गए, कुछ कमियां थीं। तो और मैं सलाम करता हूं अपना RJD को,
कि लालू प्रसाद की गैर मौजूदगी के बावजूद उन लोगों ने एक अच्छी मशीन की तरह काम किया, और एक नौजवान लड़का जिसमें सियासी तजुर्बे की भी कमी है लेकिन उसने अच्छी तरह फाइट किया। अगर कांग्रेस वगैरह भी कुछ कंप्रोमाइज़ कर लेती, उसके बाद विकासशील इंसान पार्टी को कुछ जो है ना सीटें मिलती, कोई और एक दो पार्टीज़ हैं उनको ज़्यादा सीटें मिलती हैं, तो फिर भी ये जीत सकते थे। वहाँ पर कांग्रेस ने जो है ना अपने जितने जीत सकते थे उससे कई गुना ज़्यादा 70 सीटें ली, 20 पे जीते। वो कुछ पॉलिटिकल मिसकैलकुलेशन हुआ है। नहीं, जैसा कि सब जानते हैं कि अब सेक्युलरिज्म पर लोगों का भरोसा नहीं रहा, खासकर अगर मुस्लिम लोगों का, मुस्लिम जमातों का, आवाम का, मुसलमानों का, तो वो एक उम्मीद के तौर पर यमायम की तरफ देख रहे हैं। क्या कितना सही है, कितना नुकसानदेह, बताइए। देखिए, शख्सी तौर पे मेरा ये मानना है कि अगर आग लगी है तो आप उसे पानी के ज़रिए बुझा सकते हैं। आग का मुकाबला आग से नहीं किया जा सकता, फ़िरका परस्ती का मुकाबला मोहब्बत से किया जा सकता है। और अगर हम पोलराइज होते हैं, कोई भी कम्युनिटी जो कम्युनिटी मेजॉरिटी में है उनका पोलराइजेशन उनके हक में जाएगा, उनके लिए सियासी तौर पर फ़ायदेमंद होगा। हम उसको काउंटर करने एक कोई एक मखसूस तबका, चाहे मुसलमान हो या कोई भी, पोलराइज अगर होते हैं तो हमारी तादाद कितनी है? तादाद कम है, और जमहूरियत में तादाद बहुत बड़ी मायने रखती है। भले मैं बहुत अच्छा कुछ बोल लेता हूँ, मैंने हमारे दिल की बात पार्लियामेंट में खड़े होकर बहुत ज़ोर शोर से करता हूँ, लेकिन मैं हुकूमती फैसलों पर नज़रअंदाज नहीं हो सकता जब तक कि हमारी तादाद ना हो। तो मेरी गुजारिश ये है कि हम पोलराइज ना हों। हमारे आज भी मेजॉरिटी जो है ना अपना अक्सरियती तबके की सेक्युलर है, मेजॉरिटी सेक्युलर है। और ये हमारा जो देश है, ये देश चिश्ती का, नानक का देश, कभी भी गोडसे की धरती में तब्दील नहीं होगा। बस हमें जज्बाती हुए बगैर बहुत ही हिकमत के साथ काम करना है। मीडिया बिक चुकी है, मोस्ट ऑफ देम। क्या फायदा? देखिए, ये जमहूरियत का चौथा सुतून काफ़ी कमज़ोर हो चुका है, किसी भी वक्त गिर सकता है। अब मीडिया जिस तरह बिक चुकी है परसेप्शन मैनेजमेंट में, या ख्याली दुश्मन क्रिएट करने में, एक मखसूस तबके को एक मखसूस तबके के सामने दुश्मन के तौर पर पेश करने में मीडिया अपना रोल अदा कर रही है, ये जमहूरियत के लिए नुकसानदायक है। और कुछ और हैं, गिने चुने रह गए हैं अपना जर्नल मीडिया के लोग जो आज भी हक की बात करते हैं और उसके बदले में मसाइब का शिकार हैं, केसेस का शिकार हैं, टॉर्चर का शिकार हैं, जानों को ख़तरा है उनकी, लेकिन दे आर फाइटिंग। और हमें उम्मीद कभी नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि मेरा ये मानना है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथी दुनिया की सबसे बड़ी अकलियत थे, सबसे बड़ी अकलियत। उसके बावजूद उन्होंने हिकमत और दानिशमंदी से माहौल को अपने फेवर में किया, आधी से ज़्यादा दुनिया पर हुकूमत की थी उन्होंने। हमें मायूस नहीं होना है, मुस्तकबिल इंशाअल्लाह अच्छा होगा। अल्लाह ताला भी कुरान में कहते हैं कि ला तक़नतु मिन रहमतिल्लाह, ये हमें मायूस नहीं होना है। खैर, मैं आखिर में शुक्रिया अदा करना चाहूँगा आपका कि आप, या से मतलब इंडिविजुअल आपने, इत्तेहाद न्यूज़पेपर बहुत अच्छी सहाफ़ती खिदमत आप अंजाम दे रहे हैं। आपका पेपर भी मैंने देखा है, और अक्सर जब भी वक्त मिलता है इत्तेहाद न्यूज़ के वीडियो क्लिप्स मैं देखा करता हूँ। तो बहुत ही अपना अच्छे मौजूदात पर आप लोग जो है ना अपना कई प्रोग्राम्स भी रखते हैं, न्यूज़ का कवरेज अच्छा होता है, और एक रेगुलर इंटरवल्स पे कुछ मौजूदात पे अशफाक अहमद मटकी के भी जो है ना अपना कुछ अपना बयान आते रहते हैं जो काफ़ी इंस्पायरिंग होते हैं। कीप अप द गुड वर्क, आप जैसे चैनल्स की ज़रूरत है कौम को, और बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ़ यू। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे जनाब असदुद्दीन साहब, जिन्होंने बेबाकी के साथ तमाम बातों के, तमाम सवालात के जवाब दिए। उम्मीद करते हैं कि इस तरह के बेबाक बात करने वाले लोग हमारे माशरे में, हमारी सियासी पार्टियों में रहे, ताकि बेहतर रहनुमाई हासिल हो सके। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।